बलात्कार के मामले में सालों से जोधपुर जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। आसाराम को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका लगवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि अभी आसाराम का ट्रायल जारी है और इस मामले की सुनवाई अब जनवरी में होगी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद आसाराम का दर्द छलक पड़ा और उसने कहा कि जिस तरह से इस मामले में ट्रायल चल रहा है, ऐसे में लगता है कि मेरा ट्रायल तो कभी खत्म ही नहीं होगा। बता दें कि रेप के आरोपी आसाराम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही आसाराम का दर्द छलक उठा। आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रायल में अतिरिक्त गवाहों को पेश करने की मांग करते हुए ये कहा गया कि आसाराम ने बढ़ती आयु और बीमारी की वजह से जमानत की मांग की है। इसके अलावा याचिका में आसाराम ने अपनी बिगड़ती सेहत और बीमारी का हवाला देते हुए बेहतर इलाज के लिए जमानत की भी गुहार लगाई। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के रेप मामले में जमानत अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ जेल में बंद आसाराम की ओर से दायर अपील पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त महीने में गुजरात हाई कोर्ट के 10 दिसंबर 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली आसाराम की अर्जी पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि आसाराम को साल 2018 में राजस्थान की एक अदालत ने अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गुजरात में सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के खिलाफ अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई, जिसमें उन पर बलात्कार और अवैध रूप से संबंध बनाने का आरोप भी लगाया गया। बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ अपनी शिकायत में उस पर 2001 से 2006 के बीच कई बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जब वह अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में उसके आश्रम में रह रही थी। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।